गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब अच्छे होंगे, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस मैं दादी घर पर सोई थी तो वहीं से शावर लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि मम्मा ने मेरे को बुलाया था, क्योंकि आज मम्मा जाएगी दादी के मतलब नानी के घर पे, तो हम निकल रहे हैं। मेरी कोमल मम्मा भी आएगी वहीं पर, तो कोमल मम्मा तो पहुँच चुकी है, उनके बहुत कॉल आ रहा था, बस हम भी निकलते हैं। और लब्बे को मम्मा शावर धुला दिया, क्योंकि लब्बे ना गाइस शावर ही नहीं लेता, आपको पता ही है, तो अब ले रहा है बहुत मुश्किल के बाद शावर। और यहाँ पे अभी भी लब्बे बैठा है, यहाँ पे मेड कर झाड़ू मतलब पोछा लगा रहे, पूरा घर क्लीन हो चुका है, बस पोछा पोछा रह चुका है, बेडशीट वगैरह सब कुछ बिछ चुके हैं। तो चलो बस अब मम्मा चाय बना के फिर हम पी के फिर निकलते हैं। चलो बस निकलते हैं। हमारा चाय नाश्ता आ चुका है और मम्मा ने यहाँ पे चाय नाश्ता में फिर हमारे लिए पैटीज भी मंगवा दिए थे। पापा भी खा रहे हैं और लब्बे भी खा रहे हैं, मम्मी भी खा रही है। तो अब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं। और मेरी कॉमल अम्मा का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि नानी तो मेरी सो रही थी, तो अब नानी बस उठ चुकी है, तो अब हम निकलते हैं जल्दी। बस चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है ऑलमोस्ट डन, और अब हम निकल रहे हैं नानी के घर के लिए। ऑटो में जाएंगे, पापा तो नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम निकलते हैं। तो गाइस अभी हम बैठे हैं ऑटो में, और ऑटो तो हमें मिल गया था, ये हमें बाहर ऑटो तक छोड़ के चले गए थे, मतलब अब पहुँचने वाले हैं। तो गाइस हम मम्मी के घर पे पहुंच गए हैं और डम्मू भी मिल गया हमें यहीं पे, बच्चे भी और कोमल ये नहीं। तो गाइस फाइनली हम नानी के घर पे आ चुके हैं, यहाँ पे मेरी कोमल मम्मा भी है, और कोमल मम्मा मम्मी से बात भी नहीं कर रही है, इतना लेट हो गया। और यहाँ पे सारे बैठे हैं, वहाँ पे मेरी माँ से वगैरह सारे बैठे हैं, और ये लोग गाइस कलकत्ते गए थे, तो ये कलकत्ते से भी आ गए। क्या लेके आए हो मेरे लिए? कुछ भी नहीं गाइस, बातें लेकर। तुम तो गंदे हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाते, आपसे तो बोलना ही बेकार है, कोई भी नहीं लेता। थैंक यू 12 प्रो मैक्स लेके आए हो। चुके और हम यहाँ पे सारे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और नानी आपको कैसा लग रहा है कि आपकी दोनों बेटी आ जाएगी आपसे मिलने? बहुत बहुत खुश हूँ, आप दोनों बेटी आई हैं, सोनम कोमल आई। और कोमल मम्मा से तो हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत दिन हो गए थे, और मम्मा और कोमल मम्मा बात कर रहे हैं। और नानी अब बनाएगी हमारे लिए चाय, क्योंकि शाम हो चुकी है, 6 बज गए, तो इसलिए नानी बनाएगी चाय। तो गाइस मेरी मासी भी आ गई मिलने मेरे से, और रिया भी आ गई, और मम्मी बना रही है चाय, और मामी भी आ गई यहाँ पे मिलने, और टीशिका बाहर खेल झूल रही है झूला। हमारी शाम की चाय आ गई है, और मम्मी ने मंगाए नमक पारे और चाय, और मैं जब तक बाहर से आई तो इन्होंने खाली भी कर दिया नमक पारे, और सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मम्मी ने बनाई है चाय और मैं अब पी रही हूँ। नानी के सामने वाले घर पे, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही हूँ। यहाँ पे ये भी है मेरी फ्रेंड, मेरे मामा भी है, जो कि मेरी व्लॉगिंग कर रहे हैं, और अभी हम बैठ रहे हैं, कैमरामैन बन चुके हैं ये मेरे, तो अभी हम बैठे हुए हैं, थोड़ा खेल कूद रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम घर के लिए निकल गए थे मम्मी के घर से, तो रास्ते में होगी बारिश, और फ्लाई ओवर के ऊपर भी जाम है गाइस, आप देख सकते। गाइस हम घर पे आ गए, और बच्चे आते ही बोलने लगे मम्मी भूख लग रही है, फिर इन्होंने फिंगर मंगवाए, और फिर मैंने खाना भी होटल से मंगवाया, अभी हिम्मत नहीं हो रही है। मम्मी और ने मीट चावल बनाए थे, वो मैं खा के नहीं आई, शनिवार था, और मैं रास्ते में से लेके आई आम, और अब बस इन्होंने खाना पहले से मंगवा के रखा हुआ था। गाइस मौसम भी इतना अच्छा हो गया, रास्ते में बारिश हो रही थी, हम तो पूरे भीग गए, ऑटो में आए थे और जाम इतना था, बस हमें मम्मी के घर से आते आते, मम्मी के घर से हमारे घर में रास्ता 20 मिनट का है, 1 घंटा हो गया मैं निकले हुए से घर, मम्मी के घर से, और इतना जाम हो रहा था, बड़ी मुश्किल के बाद खुला जाम। गाइस हम रास्ते में आए ना, तो मम्मी के यहाँ पे रास्ते में पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे पूरी जगह अवंतिका मार्केट तक बारिश इतनी हो रही थी तेज, और मैं घर पे आई तो देखा बिल्कुल ही, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बिल्कुल ही सूखा रोड पड़ा हुआ, तो मैंने इनको दिखाया पूरी भीग गई, तो ये कह रहा तू कैसे भीग गई, तो मैंने बोला रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, और यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं, इतनी गर्मी और बस हवा चल रही है ठंडी। यहाँ पे खाना आके खाने में मंगाए दाल मखनी, मिक्स वेज रोटी, आम, और टिशी का भी यहाँ पे खा रही है।
हाँ, और इतनी देर के बाद आया और दादी और कभी पापा मम्मा ने भिजवा दिया, पहले भिजवा दिया था तो अभी रात के लिए हमारे मतलब रात के लिए हमारे भैया गए हुए हैं, अभी कुछ चिप्स वगैरह ले। बस खाना पीना हो चुका है डन, और अभी पापा गए हैं किसी से मिलने और दादी का कॉल आया था तो दादी लेके गई है, और हम लेटे हुए हैं यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, तो खाना भी हो गया था तो इसलिए अब हम यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, और मम्मा ने रात के लिए सामान भी मंगवा दिया तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या मंगवाया। ये सब मंगाया मम्मा ने खाने के लिए रात के लिए, और खाना तो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था इसलिए मम्मा ने मैगी और पॉपकॉर्न भी मतलब एग टू पॉपकॉर्न भी मंगवाए थे तो यहाँ पे, और चिप्स भी मंगाया। पापा तब तक गए हुए हैं, मुझे लगता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है। अच्छा तो मम्मा की खांसी हो रही है। पापा तो अभी तक आए नहीं है, और यहाँ पे रात को मम्मा कर रही है अलमारी सेट, कपड़े भी आ गए थे प्रेस से तो मम्मा ने सोचा बैठे बैठे अलमारी ही सेट कर दूँ, तभी कर रही है, और रात भी हो चुकी है, पापा भी मुझे लगता है आने वाले होंगे तो अभी मम्मा कपड़े सेट कर रही है। सो गाइस पापा भी आ चुके हैं, रात के एक बज चुके हैं, और गाइस आज है फादर्स डे, आप जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं आप सभी को हैप्पी फादर्स डे, और पापा आपको भी हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू। और गाइस रात हो चुकी है, एक बज चुके हैं, तो मैं अपने ब्लॉग यही पेंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस, मेरी इंस्टा आईडी जरूर फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टा आईडी है टीशी का ब्लॉग, जल्दी जाके मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करो, आज का मुझे और सपोर्ट दो, जो सपोर्ट दोगे तो आपको और अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।